घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की आवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये है यहाँ की घटिया आवाम, गंदी आवाम। तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े हो के ताड़े, इधर आओ फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का, ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी का टोपी का, ये खाते है, खाते है, ये खाते है, दाढ़ी 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 नहीं ओ भाई दाढ़ी, एक छोटा सा खाते है। ये है पाकिस्तान की घटिया आवाम की घटिया सोच। दरअसल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसी सोच के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश में हैं और ये वीडियो देखने के बाद उनकी तो कम से कम लाल होनी ही चाहिए। और वैसे भी दोस्तों इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो भी आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तुम हो? नहीं नहीं मैंने किया। तुमने किया? नहीं किया मैंने। मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। नहीं किया मैंने। क्या मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी? क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा, मैंने खुद देखा इसको। कसम से पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के दो तमाचे दूंगी। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं बचेगा ये। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो जरा, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे 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 पीछे, घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की आवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये है यहाँ की घटिया आवाम, गंदी आवाम। अभी देखो इस टाइम माइक पकड़ा हुआ, माइक किसकी वजह से पकड़ा हुआ है? माइक भी किसका पकड़ा हुआ है? घर में से बाहर क्यों निकलिया? क्यों निकले? अगर मुल्क तरक्की करता आप घर से बाहर निकलती? कोई मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बात आप दोस्तों ये तो आपने आम पब्लिक की राय सुनी, अभी जब आप इस ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी तंग रह जाएंगे। और दोस्तों कहीं आप मेरे इसी चैनल में पिछला वीडियो देखेंगे तो वो देखने के बाद शायद आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाए, क्योंकि उसमें देखा जाए दोस्तों जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं स्कूलों में उनके साथ भी उनके जो टीचर होते हैं बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। और उसी वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाते हैं? वो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं जाते, वो कुछ और करने के लिए जाते हैं, वो भी आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की घटिया पब्लिक की क्या घटिया राय है। और मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े हो के ताड़े, इधर आओ फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी, आप बोलो इधर आओ आगे, अब बोलो, अब बोलो, क्या बोलो, बोलो जो भी बोल रहे थे, कुछ सवाल तो करें। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, अब बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का, ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी का टोपी का, ये खाते है, खाते है, ये खाते है, दाढ़ी 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 नहीं ओ भाई दाढ़ी, एक छोटा सा खाते। आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हो, ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे आपने देखा मुझे? हाँ मैंने देखा, हुआ मैंने देखा है, ऐसे खड़ा। बात ठीक करे, कोई भी ना देखे। नहीं करूंगी ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़, जिन्हें ये तमीज नहीं है लड़की से बात कैसे करती।